हाई स्कूल स्तर के लड़कों को संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पुलिस को एक व्यापक संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव था लैंगिक हिंसा के लोगों का पुनः उत्पीड़न रोकने के लिए और उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए सभी स्तरों पर पुलिस अधिकारियों के लिए व्यवहारिक और विशेष प्रशिक्षण चलाने की आवश्यकता है। चौथे सत्र का विषय था कट्टरता और आतंकवाद का मुकाबला करने में सोशल मीडिया की भूमिका। इस सत्र में श्रीमती अंजू गुप्ता विषय संचालक थी और श्री एस कालीराज महेश कुमार, श्री हिमांशु दीक्षित और श्री आकाश कुलहरी विशेषज्ञ थे। इस सत्र में भी दो प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव था सोशल मीडिया के द्वारा रेडिकलाइजेशन की चुनौती से निपटने के लिए पुलिस बलों की क्षमता निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय नीति और सक्षम SOP का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है। दूसरा प्रस्ताव था सोशल मीडिया के द्वारा रेडिकलाइजेशन को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच बेहतर तालमेल के लिए केंद्रीय स्तर पर रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है। पांचवें सत्र का विषय था प्रशिक्षण द्वारा पुलिस अधिकारियों में सही तरह का नजरिया विकसित करना। इस सत्र में डॉक्टर OP सिंह DGP उत्तर प्रदेश विषय संचालक थे और श्री महेश दीक्षित, श्री राजा श्रीवास्तव व श्री निखिल गुप्ता विषय विशेषज्ञ थे। इस सत्र में दो प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव योजनाबद्ध ढंग से दृष्टिकोण एवं मनोवृत्ति को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण में परिवर्तन करना तथा मनोवृत्ति परिवर्तन के संबंध में आम जागरूकता को बढ़ावा देना। दूसरा प्रस्ताव था पुलिस में व्यवहार पहचान माप व सुधार को बढ़ावा देने के लिए अधिक शोध किया जाए तथा सभी हितधारकों को साथ लेकर चला जाए। महोदय, अंतिम और छठे सत्र का विषय था आपराधिक न्याय के लिए CCPNS ICGS का उपयोग किया जाए। इस सत्र में श्री रामपाल पवार डायरेक्टर NCRB विषय संचालक भी थे और विषय विशेषज्ञ थी। इनके अतिरिक्त श्री रोहित नाथन एवं श्री कृष्णराज विषय विशेषज्ञ थे। इस सत्र में दो प्रस्ताव पारित हुए। पहला प्रस्ताव था विभिन्न पुलिस IT अनुप्रयोगों का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन में एक रूपता के लिए मानकीकरण और दूसरा प्रस्ताव था देश भर में सुरक्षित और समर्पित पुलिस नेटवर्क के लिए डेटा साझा करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन। माननीय महोदय, 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने हमें देश के विभिन्न राज्यों व संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी प्रथाओं व कार्य विधियों के बारे में एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सभा की ओर से BPRND के DG श्री कौमुदी की ओर से तथा UP पुलिस की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कांग्रेस में अपनाए जाने वाले संकल्प देश के सभी पुलिस बलों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के इस समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री RK तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री OP सिंह जी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक
श्री वी के एस कोमदी जी, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सभी अधिकारीगण, सुरक्षा एजेंसियों, विधि विज्ञान संस्थानों एवं विधि विश्वविद्यालयों के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित अन्य महानुभाव, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन कार्यक्रम में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। पुलिस आंतरिक सुरक्षा और कानून का राज स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न सदैव खड़े होते हैं और खासतौर पर तब जब हम जनता के सबसे नजदीक होने के बावजूद, उनके सबसे अधिक पास होने के बावजूद उनके साथ नहीं दिखाई देते हैं, तो पास होना और साथ न होना ये हम सब की पूरी कार्य पद्धति को प्रश्न के दायरे में खड़ी करती है। क्या पुलिस का रोल आज भी वही होना चाहिए जो ब्रिटिश कालीन था, या समय के अनुरूप हमें कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करके पास के साथ 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 भी हो, तो मुझे लगता है कि आम जन का विश्वास बड़ी मात्रा में अर्जित किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत ट्रेनिंग से प्रारंभ होती है, समय के अनुरूप ट्रेनिंग, और यही नहीं, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज अपराध का दायरा स्थानीय नहीं रहा, इंटर स्टेट भी नहीं रहा, इंटरनेशनल भी हो चुका है, और साइबर क्राइम के क्षेत्र में तो वास्तव में चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं। हम सब ने इस बात को देखा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग आम जन के विश्वास के माध्यम से आपकी आसूचना के एक बहुत बड़े माध्यम हो सकते हैं। हम कैसे आम जन के विश्वास पर खरे उतरेंगे, इस दिशा में नया प्रयास होना, लेकिन साथ ही साथ बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से आम जन के विश्वास और आपराधिक मानसिकता के तत्वों पर उतना ही भय पुलिस की इस यूनिफॉर्म की दिखनी चाहिए, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम, जिन विषयों को आपने यहाँ पर चर्चा के लिए लिया था, वे समसामयिक हैं और उनकी आवश्यकता भी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुझे याद है जब इस वर्ष के प्रारंभ में प्रयागराज में हमें कुंभ के आयोजन को आयोजित करना था, हम सबके सामने एक चैलेंज था। कुंभ के आयोजन को दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में भी प्रस्तुत करना था, और साथ ही साथ कुंभ के आयोजन को निर्विघ्न भी संपन्न करना था। अक्सर कुंभ के आयोजन का मतलब होता था जहां भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, अराजकता हो, लेकिन उससे अलग हटकर के एक नई पहचान प्रयागराज कुंभ को देनी थी। और उस समय
कुंभ आयोजन के पूर्व हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने न केवल कम्युनिटी पुलिसिंग का, अभी तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करके हम सब ने कुंभ के इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ और कुंभ के इतिहास का था, जिस आयोजन में एक भी घटना या दुर्घटना नहीं घटित हुई, अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए कुंभ ने दुनिया के सामने एक मानक स्थापित किया। 48 दिनों के कुंभ के आयोजन में लगभग 25 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आए थे और पूरा आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो सकता है मौनी अमावस्या के दिन 5.5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर थे, लेकिन पूरा आयोजन ऐसे संपन्न हुआ क्योंकि उन सभी अनुभवों का लाभ जो विगत के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम सबके सामने उपस्थित हो सकते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उस समय संगठन के मुखिया के रूप में आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन जो हमें प्राप्त हुआ समय समय पर, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ सकुशल संपन्न हुआ, अपने आप में एक यूनिक इवेंट बना। कुंभ के इतिहास में पहली बार कुंभ का इतना बड़ा आयोजन बिना भगदड़ के, बिना किसी घटना दुर्घटना के संपन्न हो जाए, उससे उभरने में एक टीम वर्क कैसे हो सकता है, केंद्रीय और स्टेट की एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय, स्थानीय प्रशासन में भी टीम भावना के साथ कैसे कार्य किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कैसे इतने बड़े आयोजन को सफल संपन्न कर सकते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण था। दूसरा उदाहरण, अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि से संबंधित अपना फैसला दिया और उस समय जब स्टेट और सेंटर की एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय होता है, उसके परिणाम के स्वरूप में सार्थक रूप से सामने आते हैं, आपसी समन्वय के माध्यम से बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसे और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े दावे होते थे लेकिन फैसला भी आया, 500 वर्षों के एक विवाद का पटाक्षेप भी हुआ और साथ साथ शांति और सौहार्द की एक नई मिसाल देश और दुनिया के सामने भी स्थापित पूरे देश के अंदर हुई है। भारत ने लोकतंत्र और न्यायपालिका की ताकत का आभास पूरी दुनिया को एक बार फिर से कराया है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना, उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि राष्ट्र के हित में बड़े से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और उस फैसले को पूरी मजबूती के साथ लागू किए जा सकते हैं। देश के अंदर शांति और सौहार्द के लिए सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। यह अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है हमारी सभी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों के लिए और उन एजेंसियों को एक दूसरे के यहां अच्छे कार्यों को देख करके, उन अनुभवों से लाभ लेकर के उसे अपने यहां भी लागू करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो ये 2 दिवसीय आयोजन आज यहां पर संपन्न हो रहा है, इसमें आज आदरणीय गृहमंत्री जी का मार्गदर्शन इस समापन कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। उनके पास एक लंबा अनुभव है और उस लंबे अनुभव का लाभ न केवल स्टेट पुलिस को अपितु केंद्रीय एजेंसियों को उनके माध्यम से प्राप्त होकर के हम आम जन की अपेक्षा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली एक ऐसी पुलिसिंग देश को देंगे
जिसके माध्यम से जो न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा विगत 5 वर्ष के दौरान ऐसे अनावश्यक कानूनों को भी समाप्त किया जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, लेकिन साथ ही आज की आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप भी हम चलेंगे। और उसी क्रम में आज इस समापन कार्यक्रम में आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मुझे विश्वास है अखिल भारतीय जो विज्ञान पुलिस विज्ञान कांग्रेस का ये कार्यक्रम न केवल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बल्कि विधि विशेषज्ञों और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले उन सभी विशेषज्ञों के लिए बहुत कुछ नयापन देकर के जाएगा। हम बेहतर पुलिसिंग और आमजन के विश्वास की पुलिस को देने में सफल होंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति मैं हृदय से सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। हमारे आज से राज्यसभा के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सादर अनुरोध है कि वे अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, संगठन में लंबे समय तक मेरे साथी रहे और आज उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व जो निभा रहे हैं, ऐसे श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, लंबे समय तक लखनऊ के प्रथम नागरिक के नाते सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ को जिन्होंने संजोया है, ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो आज उप मुख्यमंत्री के नाते उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, मुख्य सचिव श्रीमान आर के तिवारी जी, डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह जी, डॉक्टर एपी महेश्वरी जी और हम सब जिनके निमंत्रण पर आज यहाँ पर आए हैं, बीपीआरएनडी के डीजीपी श्रीमान कौमुदी जी और सभी राज्यों और संघ प्रदेशों से पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों, आज 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में समारोह कार्यक्रम में आप सबके मिलकर मुझे अत्यंत हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है। पहले भी एक बार मैं जब गुजरात का गृह मंत्री था तब गांधीनगर में कांग्रेस आयोजित हुई थी, तब उस वक्त जो प्रतिनिधि के रूप में आए थे वो सभी सज्जनों देवियों का स्वागत करने का मुझे मौका मिला था और आज मैं आपके सामने गृहमंत्री के नाते उपस्थित हूं। उस वक्त मैं कई बार सोचता हूं कि उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से फायदा होता है या समारोह कार्यक्रम, कई बार आप जो विचार रखते हो जब आपकी कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाती है, साइंस कांग्रेस समाप्त हो जाती है तो विचारों का क्या उपयोग होगा, समापन के अंदर की गई बातों का उपयोग क्या, ऐसा मुझे कई सारे लोग जो कार्यक्रमों के विज्ञान पर अभ्यास कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं ऐसे लोगों ने मुझे कई बार कहा है, मगर मैं हमेशा मानता हूं कि समारोह के बाद ही शुरुआत होती है, जो मंथन हुआ है इसके इंप्लीमेंटेशन होती है, इसलिए अच्छा समारोह के कार्यक्रम। तो जब मुझे निमंत्रण मिला तब मैंने भी तय किया था कि 47वीं भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समारोह में ही मैं जाऊंगा।
ये जो बीपीआरएनडी का काम है, एक दृष्टि से समायोजन का काम है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक्सचेंजेस का काम है, समस्याओं को ढूंढने का काम है, समस्याओं के समाधान पर चिंतन करने का काम है, उसका समाधान ढूंढने का काम है, और जो समाधान ढूंढते हैं वो प्रैक्टिकल रूप से बी तक लागू हो, इसकी चिंता करने की जिम्मेदारी बीपीआरएनडी की है। उसके मैंडेट को ध्यान से पढ़े तो बहुत बड़ा व्याप बीपीआरएनडी के मैंडेट का है, और बीपीआरएनडी के काम को, उनके सारे वर्ष के काम को नीचे तक पहुंचाने के लिए अगर कोई एक जरिया है तो मैं मानता हूं कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। कई सालों से आप 1960 से लेकर आज तक ये करते आए हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस सिर्फ ये विषय पर करनी चाहिए कि 1960 से 2019 तक जितने भी रिजोल्यूशन किए, जितने भी पेपर्स इसमें रखे गए, इसका हुआ क्या? अगर चिंतन ही करते रहेंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।